जीत और आप देख रहे हैं ए टॉप अर्निंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों यदि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है, यदि आप दोस्तों मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं यानी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे दो मिनट के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आईपीपी ऐप मोबाइल बैंकिंग में। लेकिन दोस्तों पहले आपको फंडा से क्या क्या फंडा है, जैसे कि दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराए हुए, ठीक है। अकाउंट ओपन कराने में दोस्तों एक आपको पासबुक मिला हुआ, ठीक है। पासबुक मिलने के बाद दोस्तों आपका नेम होगा, उस पर अकाउंट नंबर होगा और आपको आईएफएससी कोड होगा और साइड में आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे लिख दिया होगा, ठीक है। अगर आपको कस्टमर आईडी अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों जो भी आपका रजिस्ट्रेशन यानी जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप यहाँ पर 1552 99 पे आपको यहाँ पे कॉल करना है, आप कस्टमर आईडी आप जान सकते हैं। अगर आपको कस्टमर आईडी आपको कैसे जानना है तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा, कस्टमर आईडी कैसे पता करें दोस्तों आप वहां पर जान पाएंगे। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आईपीपी ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें यानी लॉगिन कैसे करें यानी आप मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करें। दोस्तों आप यहाँ पे ईवीएम से यहाँ पे चालू कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर जरूर दबाना। आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अपने वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मोबाइल बैंकिंग चालू करने से पहले पहले दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना होगा। क्या चीज आपको डाउनलोड करना आपको बता दिया हूँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो भाई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ देखो भाई आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको भाई इसी एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने बाद दोस्तों इसको भाई यहाँ पे ओपन करना होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। कुछ देर वेट करने बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई मेन फंडा यहाँ पे क्या चीज आता है, वेलकम टू आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग। भाई इसका फुल फॉर्म होता है आईपीपीबी का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इसका आप समझ गए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीपीबी का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। सिंपल से फंडा समझ गए। और भाई इस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यानी मोबाइल बैंकिंग को चालू कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन नो पे क्लिक करना होगा। लॉगिन नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा। पहले आपको बता दियो कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में दोस्तों आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कराए होंगे नजदीकी नियर बाय पोस्ट ऑफिस जाके, तो दोस्तों आपको एक पासबुक मिला होगा, ठीक है। पासबुक आपको यहाँ पे क्या चीज आपको दिया होगा, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, और बहुत सारे ये होते हैं कि भाई कस्टमर आईडी नहीं भी देता है। तो नहीं देने के बाद आपको बता दिया कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में आपको भाई लिंक मिलेगा, कस्टमर आईडी कैसे पता करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। दोस्तों मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो इस वीडियो को जरूर भाई वॉच कर लेना, ठीक है। और भाई आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यानी आप मोबाइल बैंकिंग को चालू कैसे करना है। तो अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर वही आपको डालना जो कि जो आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो भी आपके यानी रजिस्टर्ड नंबर होगा आपको वही नंबर डालना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भाई यहाँ पे गलत मत डालना, ठीक है। पहले बता दिया हूँ अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत डालोगे तो गाइस ये रॉन्ग बताएगा, ठीक है। प्लीज ट्राई अगेन, इस टाइप से कुछ भी आएगा, ठीक है, प्लीज वैलिड आएगा, ठीक है। चलो मैं अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल के और रजिस्टर क्लिक करके आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ और भाई इजीली आपसे दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलो भाई मैं आपको आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देखो गाइज पहले पहले आप यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से, देखो यहाँ पे मैं अपना डाल दिया हूँ, क्या क्या चीज़ डाला हूँ, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद रजिस्टर क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर क्लिक कर दिया हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो आगे का क्या इंटरफेस आ रहा है वो भी आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ। तो देखो भाई अब थोड़ा सा मेरा नेटवर्क यहाँ पे इशू चल रहा है तो इसलिए थोड़ा चलो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। चलो मैं यहाँ पे स्किप नहीं किया तो ये इजीली हमसे नेटवर्क मेरा अच्छा चला। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू एम पिन डालना जो कि आप न्यू अगर आप यहाँ पे जैसे कि अगर आपका लॉग आउट ऐप हो गया या कुछ भी हो गया तो आपको फिर न्यू तरीके से डालना, ठीक है। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं तो आपको न्यू एम पिन डालना कुछ भी डाल सकते, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया 5570 हुआ यानी 9570 डाल दो यहाँ पे एग्जांपल के लिए। यदि आपका यहाँ पे 1234 डाल दो या आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट डाल दो यानी अपना सिक्योर भाई एम पिन डालो जो कि कोई जाने ना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मनी ट्रांसफर भी ना कर पाए, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1299, ठीक है। फिर से यहाँ पे 1299 डाल दो, ठीक है, 1299, ठीक है। कितना कितना डाला हूँ, 1299। आपको ऊपर जो भी आपके एम पिन डालेंगे वही दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में भी एम पिन डालना, सेम टू सेम आपको एम पिन डालना, ठीक है, इजीली आप से डाल पाएंगे। चलो मैं आपको आग डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेट एम पिन पर क्लिक करना होगा। चलो मैं अपना नीचे पे क्लिक करके यहाँ पे सेट एम पिन पर क्लिक करके आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो वीडियो भाई शुरू से लास्ट जरूर देखना। जैसे दोस्तों आप वहाँ पे नीचे में सेट एम पिन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे चक्र यानी गोल गोल घूम रहा है। देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या चीज घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि मेरा नेटवर्क यहाँ पे इशू चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ही लग सकता है, देखो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेन चीज क्या फंडा आता है, यहाँ पे एड सिक्योरिटी कॉस्टर, और भाई यही मेन फंडा है। और भाई बहुत सारा भाई फ्रेंड इसमें फंस जाता है भाई, उसको समझ ही नहीं आता कि भाई ये मेन सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है यार, कैसे डालूं, और भाई आगे प्रोसेस वो कर ही नहीं पाता है। तो भाई प्लीज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आप ये सीख जाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को भाई लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता ही होगा भाई। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड से कि हाँ भाई वो भी जान पाए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, यानी कैसे मोबाइल बैंकिंग को चालू करना है, ठीक है। तो सिंपल सी फंडा समझ गए, देखो भाई यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन फुल वाच जरूर करना, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो को स्किप करके यानी भगा भगा के देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यार आप 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट आप भाई टाइम दे दो, आपका भाई यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी फंडा आप समझ गए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज फंडा था, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, मतलब इसका कहना है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको समझा दिया, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करना है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को चेंज करना है तो आपको इसी वाले ऑप्शन क्लिक करो और भाई आपको यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दे, ठीक है। जो भी है देखिए यहाँ पे इन विच सिटी टाउन विलेज इज योर ग्रैंड मदर्स होम, तो जो भी भाई आपको अपने फेवरेट मूवी का आर्टिस्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते, फेवरेट का फूड का आइटम का डाल सकते, नाम जो भी भाई आपको याद हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाला ही मुझे ऑप्शन बेस्ट लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही मैं क्लिक करने देता हूँ। तो यहाँ देखो व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो मेरा जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पे डाल दो, ठीक है। एग्जांपल के लिए मेरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मेरा यहाँ पे एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ है 1101, देखो मैं आपको दिखा दो, ठीक है, 01 01 1980 डाल दो, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको समझा दो, ठीक है। एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ इस टाइप से डाल में। और दोस्तों ये बता रहे कि व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल डेट यू आर हैव अटेंडेंस, ठीक है। जो भी भाई आपका स्कूल का नेम होगा, जो भी आपका स्कूल का नेम होगा वो आपको भाई उसी स्कूल का ही नाम डाला, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज भी कर पाएंगे, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल डेट यू हैव अटेंडेंस, ठीक है। इसका मतलब ये कहना कि भाई जो भी आपका फर्स्ट स्कूल होगा उसमें आपका अटेंडेंस जो भी आपका बना होगा, यानी आपका हाजिरी बना होगा, और भाई आपका उसी स्कूल का यहाँ पे नाम डालना, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका हाई स्कूल हो गया या आपका मिडिल स्कूल हो गया, जो भी आपका भाई स्कूल का नाम है, आप शॉर्ट फॉर्म में भी आप यहाँ पे नाम डाल पाएंगे, ठीक है। और आपको चेंज करना तो आप यहाँ पे चेंज भी कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे डालना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल पाएंगे, ठीक है। चलो मैं अपना यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दो, ठीक है। एग्जांपल के चलो मैं अपना यहाँ पे हाई स्कूल डाल दो, ठीक है, हाई स्कूल डाल देता, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दो, ठीक है। और भाई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को मैं आपको भाई बता, इस वीडियो भाई बिल्कुल ही स्किप ही मत करना, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे दोस्तों आप यहां पे इजीली आपसे पे सीख पाएंगे कि भाई आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या-क्या डालना है, ठीक है। तो आप यहां पे फंडा समझ गए, यहां पे जो भी स्कूल का नेम है, स्कूल का जो भी था मैं अपने डाल दिया हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो भाई थर्ड नंबर पे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, मतलब इसका ये कहना है कि भाई आपका जो भी आपका फेवरेट फ्रेंड है, ठीक है, जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है, जो भी आपका फेवरेट फ्रेंड है, अपना फ्रेंड यानी अपना फ्रेंड का नाम डाल सकते, ठीक है, इजीली नाम से। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करना, आपको बता दिया कि आपको इसके वाले ऑप्शन के यहाँ पे करके चेंज कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो भी मेरा फ्रेंड नाम है मैं अपना फ्रेंड के यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना फ्रेंड का नाम डाल देता हूँ लाल बाबू, ठीक है। देखो दोस्तों मैं अपना फ्रेंड का नाम डाल देता लाल बाबू कुमार डाल देता हूँ, ठीक है। इस अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे डाल पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों मैं आपको दिखा, यानी इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई आपको भाई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा, क्यों भाई बहुत सारे ये होता है कि भाई वो हाइड कर देता है, ठीक है, हाइड इसलिए कर देता है कि भाई वो सिक्योर के लिए वो कोई देख ना पाए, ठीक है। तो मैं आपको समझा दिया हूं कि आपको इसी अकॉर्डिंग, जैसे आपका फ्रेंड का नाम हो गया लक्ष्मण नाम हो गया, या अमर कुमार हो गया, या अमरजीत आपका नाम हो गया आपका फ्रेंड का नाम हो गया, या आपका दिनेश नाम हो गया, या आपका जो भी नाम है, चाहे सोनू नाम हो गया, चाहे मोनू नाम हो गया, कुछ भी नाम हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे भाई डाल पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी फंडा, ठीक है, अपने फेवरेट फ्रेंड का नाम डाल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखो मैं अपना डाल दिया हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई फोर्थ नंबर पे, यानी लास्ट भाई क्वेश्चन ये बताया जा रहा है क्या जी, कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, जो भी भाई आपका फेवरेट टीचर होगा अपने फेवरेट टीचर का नाम डाल दो, जिससे आप पढ़े होंगे, जो भी आपका टीचर अच्छा लगा होगा, आप अपने जैसे कि आपने जो भी है बचपन में जो पढ़े होंगे, या हाई स्कूल पढ़े होंगे, या मिडिल स्कूल पढ़े होंगे, या आपका पीजी में जो भी आपका भाई ग्रेजुएशन हुआ, जो भी आपको भाई बेस्ट टीचर लगा, अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं अपना जो भी मेरा यहाँ पे टीचर
का नाम है वो मैं अपना यहाँ पे टीचर का भाई यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं अपना चैट टीचर का नाम डाल देता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। चलो मैं अपना टीचर का नाम देता हूँ, चलो क्या नाम डाल देता हूँ, चलो दिनेश डाल दो एग्जाम्पल, मैं दिनेश यहाँ पे डाल दो, ठीक है, दिनेश सर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, दिनेश सर यहाँ पे डाल दिया और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो भाई, जो भी मेरा यहाँ पे टीचर था और मैं अपना यहाँ पे टीचर का नाम यहाँ पे डाल दिया हूँ, देखो यहाँ पे दिनेश सर यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आगे का जो भी प्रोसेस आएगा मैं आपको आपके लाइव प्रूफ साथ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और मैं आपको लाइव प्रूफ साथ दिखा रहा हूँ। तो वीडियो भाई शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को डाल देंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन को जैसे ही डालने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यानी रजिस्टर नंबर होगा बैंक अकाउंट में, उसमें भाई एचएन का ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे, ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। और चलो मैं अपना यहाँ पे ओटीपी का इंतजार कर रहा हूँ, कब तक मेरा ओटीपी आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल दूंगा, उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी आईपीपीबी ऐप में, ठीक है, यानी मोबाइल बैंकिंग को आप यहाँ पे इजीली आराम से चालू कर पाएंगे, ठीक है। चलो दोस्तों मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ, मेरा यहाँ पे ओटीपी नहीं है, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके और मैं आपको आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो वीडियो भाई शुरू लास्ट तक जरूर, अगर आपका उसी मोबाइल में अगर आपका यहाँ पे सिम लगा रहेगा तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक वो ओटीपी ले लेगा और सक्सेसफुली हो जाएगा। जो भी आप वहाँ पे एमपिन आप डाले होंगे 4 डिजिट का, वो आपको एमपिन डालना और आपका यहाँ पे आईपीपी आप इजीली आपसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं आपको आगे प्रोसेस दिखा देता हूँ, तो वीडियो भाई इस बिल्कुल ही स्किप मत करना। सो गाइज, फिर से मैं यहाँ पे ट्राई किया तो दोस्तों यहाँ देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओटीपी आ गया मेरे नंबर पे। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे भाई यहाँ पे मेरा मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे चालू हो गया है। और भाई आपको भी यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे चालू करना है। तो गाइज आपको भाई यहाँ पे वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ मैं कुछ देर और वेट करता हूँ, देखता हूँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम दे रहा है और भाई यहाँ पे थोड़ा सा 5G यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा है गाँव में, अपना यानी मैं अपना विलेज एरिया में हूँ इसलिए दोस्तों, और भाई थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम देता ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर और वेट करता हूँ और सक्सेसफुली मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोसेस। तो देखो भाई अभी गोल गोल घूम रहा है लेकिन सक्सेसफुली हो गया है, मेरा ओटीपी ऑटोमेटिक आ गया है। चलो मैं वीडियो को स्किप थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फाइनली गाइस यहाँ पे हो चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, इंजॉय बैंकिंग विथ अस। उसके बाद दोस्तों आपको कैसे क्लिक करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेन फंडा यहाँ पे आ जाता है लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपको यहाँ पे एम पिन डाले होंगे 4 डिजिट का, वो भाई आपको यहाँ पे एम पिन डालना होगा। चलो मेरा यहाँ पे जो भी है मेरा एम पिन था वो मैं अपने एम पिन डाल के और मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो भाई कंटिन्यू बने रहना। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखते चलो मैं अपना यहाँ पे एम पिन डाल दिया हूँ, एम पिन डालने के बाद दोस्तों चलो मैं थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है। तो फाइनली गाइस ये देखो यहाँ पे मेरा मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो वो भी आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ। तो वीडियो भाई कंटिन्यू बने रहना और भाई जो जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ आपको उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है। चलो मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ा पहले स्किप कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क यहाँ पे इशू चल रहा है। तो फाइनली गाइस जैसे मैं यहाँ पे एम पिन डाल दिया हूँ, एम पिन डाल देने में दोस्तों आपके यहाँ पे इस टाइप से आपका मोबाइल बैंकिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन हो जाने के बाद दोस्तों मेन फंडा यहाँ पे क्या चीज़ आता है दोस्तों पहले आपको समझा दो अच्छे से, ठीक है। जैसे हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको एक कार्ड मिलेगा, इसको भाई कार्ड को आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। 25 रुपीज़ कटेगा और आपको GST लगा कर सब चीज़ कटेगा अमाउंट, ठीक है। आप कार्ड अप्लाई कर लेना, उसके बाद फोनपे गूगल पे जो भी खोलना अपने अकॉर्डिंग खोल लेना, ठीक है। और भाई जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये छोटा सा जानकारी देना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड से, हाँ वो भी जान पाए कि मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे चालू करना। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।